तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा मैं आपसे करना चाहती हूँ. यू बहुत आर बहुत गिविंग मी धन्यवाद. वेरी थैंक यू गुड सो मच टाइम नेहा. टू मी फ्रॉम थैंक यू योर हेक्टिक शेड्यूल. जी. तो सर पहले तो वैसे ही पहला प्रश्न यही उठता है कि सर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, सर एक्टर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, देखिए, क्या था? एक्टर की जर्नी के पीछे हर जो बच्चा होता है वो अपने ज़िंदगी में बहुत सारे काम करना चाहता है. कि तो जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि कभी आर्मी में चले जाएं या पुलिस में चले जाएं, प्लेन उड़ाने लगें, या पायलट बन जाएं, या क्रिकेटर बन जाएं, या कबड्डी के खिलाड़ी बन जाएं. तो कई सारे आपके जी पैशन होते हैं, हाँ जी आप जिनको सर्च कर रहे होते हैं. लेकिन धीरे धीरे ये जो एक्टिविटी थी हमारी, ये 4 साल की उम्र से शुरू हुई कि थिएटर के ऊपर या मंच के ऊपर जाना एंड परफॉर्म करना. सारी की सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, एनसीसी हो, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ मेरी धीरे धीरे बंद होती चली गई. लेकिन एक एक्टिविटी थी, एक्टिंग, जो कंटिन्यूसली ऑन रही. पहला ऑफर कैसा आया आपके लाइफ कुछ में? नहीं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हमने अपना एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन किया. और उसके बाद फिर मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिनसे पूछ के मैं ये सारे काम करता हूँ, और उन्हीं के कहने पे मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया था. तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब एनएसडी से फ्री हो गए हो तो अब थिएटर छोड़ो और मुंबई आ जाओ. तो मुंबई आ गए और मुंबई में ही उन्होंने हमसे कहा कि भाई, किसी से तुमको नहीं मिलना है, मेरे अच्छा स्पिरिचुअल गुरु ने, ओ और जिनको हम सब लोग प्रेम से दद्दा जी के नाम से ओ बुलाते हैं. ओके तो दद्दा जी ने मुझसे कहा कि तुमको तो सिर्फ महेश भट्ट साहब से मिलना है. वही और आपके हम बस उन्हीं को चेस करते रहे. और फिर हाँ मुलाकात हो गई भट्ट साहब से. भट्ट साहब के पास से मुझे सबसे पहले एक टेलीविजन सीरीज मिली जिसका नाम था स्वाभिमान. स्वाभिमान किया, स्वाभिमान में जो कैरेक्टर था हमारा त्यागी, जो डेली सोप था, उस यस समय यस डेली सोप की परंपरा नहीं थी. डेली सोप फिर स्वाभिमान और शांति से ही शुरुआती दौर के वो डेली सोप है. स्वाभिमान का वो कैरेक्टर बहुत हिट हुआ यस राइट और फिर धीरे धीरे भट्ट साहब के साथ एसोसिएशन बना. तमन्ना में एक छोटा सा रोल किया, गुलाम में एक सीन का रोल किया. तो गुलाम के उस एक सीन के रोल को देखकर मुझे फिर दुश्मन ऑफर हुई. दुश्मन यस और फिर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री जो भी है, दुश्मन के बाद चलना फिर फिर चलना पीछे शुरू हो देखना गया. हो गया. तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को जो कुछ भी मिलता है दोस्तों से मिलता है, दैट्स लेकिन ट्रू मुझे जो कुछ भी मिला वो दुश्मन से मिला. दुश्मन से मिला गुड. सर अब जैसे आप तेलुगु की बात करें, हमें जी बहुत अच्छा लगता है जब आपके अभिनय देखते हैं तेलुगु सिनेमा में. आज की डेट पे कोई भी ऐसे बड़े स्टार जो साउथ के हाँ, हैं, आपने उनके साथ काम ना किया हो, तो हम जानना चाहेंगे ये इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ जो बिल्कुल ही डिफरेंट है लैंग्वेज नहीं, वाइज. बिल्कुल डिफरेंट नहीं है. मेरा ये मानना है कि भारत जो है, हमारा देश, वो इतना अच्छा और आनंददायक देश है कि भारत को मैं विश्व के पॉकेट एडिशन के रूप में लेता हूं. कि मुझे सिर्फ हिंदी फिल्म अभिनेता नहीं के रूप में नहीं नहीं जाने जाना, ओके मुझे भारतीय फिल्म अभिनेता के रूप में अगर जाने जाना है तो ओके भारतवर्ष में बनने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उसमें उन काम. तमाम भाषाओं में आपकी कम से कम दो दो चार चार फिल्में ऐसी हों जिसमें आपकी सशक्त अभिव्यक्ति रही हो या आपका एक स्टैम्प मार्क स्टेप लगा मार्क हो. लगा. और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तेलुगु में, अगर आप कैसे देखें, मिला सर ऑफर, कैसे आया मुझे मतलब सबसे स्टार्ट? पहली फिल्म जो तेलुगु की थी वो वेंकी थी, हाँ जो रवि तेजा जी के साथ हाँ हमने जी की हाँ थी. जी और वो बहुत, और श्रीनु बेटला साहब उसके हाँ डायरेक्टर जी थे. हाँ तो वो वहाँ से चीज़ें चलती शुरू हो गई. लेकिन अगर आप देखें तो वो फिल्म मेरे ख्याल से 2001 या 2000 के के आसपास बाद की है. की. लेकिन इन 17 सालों में हमने ज़्यादा काम नहीं किया. हमारा ये मानना था कि धीरे 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 आप काम करते रहिए और जो किरदार आपको पसंद आए. लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि वेंकी भी बहुत सुपरहिट रही. फिर उसके बाद नितिन के साथ फिल्म की, फिर पवन कल्याण जी के साथ फिल्म की, फिर बालकृष्णा जी के साथ जी कोई फिल्म छोड़े नहीं की. आपने, सबके तो साथ है कहने आपका. का अर्थ ये है कि मुझे या अच्छे अच्छे रोल नेचुरली मिलते चले मिलते गए. थे. फिर तड़ाका जो उनके डॉली ने डायरेक्ट की थी, जिसमें नाग चैतन्य थे, सुनील थे, यस फिर यस कृष्णा अष्टमी जो दिलराजू प्रोडक्शन था. जी जी तो कहने का अर्थ ये है कि मुझे इतने अच्छे अच्छे रोल और दबंग और प्रभावशाली थोड़े रोल मिलते चले स्ट्रांग गए, एंड या स्ट्रांग रोल मिलते चले गए, जो एक किसी भी एक्टर के लिए बहुत जरूरी. फीस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है.
तो मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई आपका मूवमेंट हो सर, मतलब कोई इच्छा आप शेयर करना चाहें, जब आप बाला कृष्णा जी से मिले या पवन कल्याण जी से, उन्होंने कैसे आपको वेलकम किया या कुछ? बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत अच्छे से। मूवमेंट्स का मैं ये बताता हूँ कि अब जैसे मैं बाला सर के साथ जब काम करता हूँ तो वो एकदम जिसको आप कहना चाहिए कि पवित्र हृदय के व्यक्ति हैं और बड़े ही सरल व्यक्ति हैं। वो जो कुछ भी है उनके जो यहाँ से निकल रहा है वो यहाँ है से। तो जब ऐसे व्यक्ति के साथ आप काम करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि कहीं कोई शील्ड नहीं होती, कहीं किसी किस्म का कोई रोक टोक नहीं होती। वो इंसिस्ट करते हैं कि कॉल मी बाला, बाला तो मुझे बाला सर मत कहो बाला। लेकिन लेकिन उनके व्यवहार और उनके वो तमाम उनका जो जीवन दर्शन है, मैंने इतने जुनूनी अभिनेता हैं वो कि उनको मुगले आजम के भी बड़े बड़े डायलॉग याद हैं, उनको जितनी भी एनटीआर साहब की जो फिल्में हैं उसमें जो बड़े बड़े, तो वो सारी की सारी चीजें उनको ऐसे कंठस्थ हैं और वो इतने अधिकार के साथ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये जुनून 40 वर्षों से वो फिल्में कर रहे हैं और 40 वर्षों से अगर अपना ये पैशन उनका वैसा ही बरकरार है जैसा पहली फिल्म में था तो ये निश्चित रूप से सीखने वाला पॉइंट है। पवन कल्याण साहब, पवन बहुत क्वाइट काम करते हैं, बहुत क्वाइट रहते हैं, लेकिन जब उनके साथ आपकी जुगलबंदी जम जाती है तो फिर वो फन है। वो उनके साथ काम करते हुए आपको फिर बहुत आनंद मिलता है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं। रवि तेजा, रवि तेजा उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, तेलुगु भी वो बहुत जबरदस्त बोलते हैं, तो वो और वो बड़े खुले हृदय के व्यक्ति हैं। तो मेरा ये मानना है कि इतने सारे जो नितिन हमने उनके साथ भी काम किया या सुनील उनके साथ भी काम किया, नागचैतन्य उनके साथ भी काम किया, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इतने ठहरे हुए, इतने गहरे एक्टर्स हैं यहाँ पे और डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के ऊपर जो लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म की जो मूल आत्मा होती है वो स्क्रिप्ट होती है। तो स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पे और जिसमें देसीपन जो होता है, जो अपना कोलोकियल जो भदेस जिसको कहा जाता है, तो वो वाली जो चीज होती है तो वो उसी के कारण है, उसी का परिणाम है कि यहाँ पे अगर आप सक्सेस रेशियो देखेंगे फिल्मों का तो मुझे लगता है कि 60% अगर 100 फिल्में बनती हैं तो 60 फिल्में सुपरहिट होते हैं। तो सर आपने, हमने तो आपको कॉमेडी करते हुए भी देखा है तेलुगु मूवीज में, तो वो कैसा रहा, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। बहुत अद्भुत, क्योंकि वो जिनके साथ मुझे कॉमेडी सिक्वेंस करना था, अब जैसे सुनील है वो तो खुद कॉमेडी एक्टर रहे हैं, देन सर जो कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ करना अपने आप में, जब आप किसी अच्छे एक्टर के सामने खड़े होते हैं तो मेरा ये मानना है नहीं, आसान हो जाती है जिंदगी। जब आप अच्छे एक्टर के साथ अपना स्पेस शेयर करते हैं तो एक्टर की जिंदगी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कलाकारी से, अपनी सहजता से आपको भी सहज करता है और आपको भी बड़ा आकर्षक बना देता है। तो कोई अभी तक कोई तेलुगु डायलॉग आपको याद रहा हो और आपने हृदय से याद कर लिया और जब लोग बोलते चाला मंचो अनुगुन्नाडु भूमा रेड्डी सो आप कंफर्टेबल हैं सर तेलुगु जब आप सेट्स में जाते हैं लोगों से बात करना? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। तेलुगु मैं प्रॉम्प्टिंग लेके बोलता हूँ और लोग जो भी लोग मेरे साथ काम करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि मैं तुरंत उस चीज को ग्रास्प कर लेता हूं और फिर डबिंग में कभी दिक्कत नहीं जाती है। तो आपकी सारी आप ही डबिंग करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन जो डबर होते हैं वो ये कहते हैं कि इनको डब करना बहुत आसान है क्योंकि इनके जो लिप मूवमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, करेक्ट होते हैं। सर आपका कोई ऐसा रोल तेलुगु मूवी में इतने सालों से आप हैं जो आपको यादगार है और बार बार खुद देखना पसंद करते हैं, या आपके फैमिली वाले, मतलब आपकी वाइफ आपके बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं? मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊं नेहा, मैं चाहे हिंदी फिल्म करूँ, चाहे तेलुगु फिल्म करूं, चाहे तमिल फिल्म करूं या मराठी फिल्म करूं या कन्नड़ फिल्म करूं या हरियाणवी या बंगाली फिल्म करूं, मैंने अभी तक इतनी सारी भाषाओं में ये फिल्में कर ली। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि हिंदी फिल्म से लेके किसी भी फिल्म को मैं सिर्फ एक बार देखता हूं और वो भी डबिंग के समय, और डबिंग में देखने के बाद जो ट्रायल होता है या प्रीमियर होता है बस उसमें देखने के बाद मैं कभी भी उसको दोबारा नहीं देखता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि
अगर आप अपने किरदार को खुद ही याद रखेंगे तो फिर दर्शक उनको कैसे याद रखेगा? अच्छा तो या तो आप याद रख लें या दर्शक याद रख लें, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर आपका तब तक होता है जब तक वो दर्शकों के पास नहीं गया, और जैसे ही दर्शकों के पास जाता है फिर वो एक्टर का नहीं होता, वो दर्शक का कैरेक्टर हो जाता है। तो वो दर्शक की निधि है, तो दर्शक की निधि को, दूसरे की संपत्ति को बार बार देखना मुझे लगता है कि नीतिपूर्ण नहीं है। तो अभी कुछ ऐसा कुछ इतना करने के बाद कुछ है दिल में कि ऐसा कुछ रोल मिले? बहुत कुछ, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। अगर आप हमारे पूरे फिल्मी करियर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी तो हम 4 कदम चले हैं। तो बच्चे के शुरुआती कदम है, तो शुरुआती कदम में बस उसकी चाल को देख के आपने कह दिया कि बड़ा लटक के चलता है, बड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन अभी तो पूरी मंजिल बाकी है। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेलुगु इंडस्ट्री में बड़े मीटी किरदार मिलेंगे, क्योंकि एक्टर चमत्कारी नहीं होता, चमत्कारी होते हैं राइटर, चमत्कारी होते हैं डायरेक्टर, चमत्कारी होते हैं पूरा का पूरा जो वातावरण होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी चमत्कारिक किरदार, चमत्कारिक वातावरण की मुझे निरंतर तलाश रहती है, और ऊपर वाला परमात्मा जो है वो पूरी करते रहते। अगर आपको सर अपने आप में एक डिफाइन करना है एज अ फादर, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे एज ए फादर? मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी पिता से इस बात का जवाब नहीं लेना चाहिए, इस बात का सही जवाब उसके बच्चे देते हैं। चलिए ये भी हमने मान लिया। और हस्बैंड तो फिर पूछ ही नहीं सकते, तो मैडम से पूछना पड़ेगा, रेणुका मैम से। मेरी पत्नी से पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को अच्छा पिता कहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप व्यक्ति के रूप में जिम्मेदार हैं तो आप मित्र के रूप में भी जिम्मेदार रहेंगे, पुत्र के रूप में भी जिम्मेदार रहेंगे, पति के रूप में भी जिम्मेदार रहेंगे, पिता के रूप में भी जिम्मेदार रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी आपके जीवन का, आपके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। तो सर आपको अभी रेणुका मैम और हम आप दोनों को देख पाएंगे, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं आप दोनों। कुछ ऐसे ऑफर्स आए कि फ्यूचर में हम आप दोनों को देख सकें? लेकिन हमें, मुझे लगता है कि रेणुका जी जितनी दबंग अभिनेत्री हैं, जितनी कुशल अभिनेत्री हैं, उनके साथ अगर मुझे कुछ काम करना चाहिए तो फिर आंधी जो एक फिल्म बनी थी, संजीव कुमार साहब की जो एक फिल्म आई थी आंधी, तो वैसी कोई फिल्म अगर हमें मिलती है हम दोनों को साथ में रख के, तो निश्चित रूप से करेंगे। वैसे वो कुछ एडवाइस करती हैं जब आपका कोई किरदार देखती हैं और उस बारे में बिल्कुल बोलती नहीं हैं कुछ भी? मेरा अभिनय या मेरी फिल्म की कहानी जिस पल पैकअप होता है, पैकअप के बाद उसी पल खत्म हो जाती है। मैं कभी भी अपनी फिल्मों को, या वो कभी भी अपनी फिल्मों को, अपने काम को घर तक नहीं लाती, मैं भी अपने काम को घर तक नहीं ले जाता। मैं उस चीज़ को वहीं छोड़ कर आता हूँ, और घर को भी अपने काम पर लेकर नहीं आता। जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ अच्छा, तो फिर वो कॉर्ड कट जाता है, फिर मैं अपने काम का हूँ, और काम को भी घर नहीं ले जाता हूँ, फिर मैं अपने घर का हूँ। घर का हूँ। सर हम चाहेंगे कुछ एक आज के यंगस्टर्स के लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहें, किस तरह से, मतलब व्हेन दे वांट टू बी अ एक्टर इस फील्ड में, हम बहुत ग्लैमरस फील्ड देखते हैं बट वो इतनी ग्लैमरस होती नहीं है। सो इस वे में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक्टर छिपा होता है, ठीक है? जैसे कोई भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है तो डॉक्टर भी कह देगा कि यार ये सीन हम कर लें क्या, लेकिन एक्टर ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन मैं कर लूं क्या। राइट। तो कला जो है व्यक्ति का पेशा बाद में बनता है, लेकिन ये व्यक्ति का स्वभाव है। तो इस नाते हर व्यक्ति के अंदर एक्टर बनने की या कलाकार होने की चाहत पैदा होती है, जो बुराई वाली बात नहीं है, स्वागत योग्य है। लेकिन हमें उस समय सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि एक होती है इच्छा, विश, और एक होती है क्षमता, कैपेसिटी। तो इच्छा और क्षमता, जरूरी नहीं है कि जिस काम को करने की इच्छा हो उसकी हमारे अंदर क्षमता भी हो, और जरूरी नहीं कि जिस काम को करने की हमारे अंदर क्षमता है उसको करने की हमारे अंदर इच्छा हो। और चूंकि इच्छा और क्षमता के बीच में जो झगड़ा चलता रहता है, इसी कारण हम करते हुए भी असंतुष्ट रहते हैं, और हम सफल होने के बाद भी असफलता का हमारे अंदर एहसास होता है, और फिर हम असफल होते हैं तो असफल तो हम हो ही जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, यंगस्टर्स से ये कहना है कि अगर आपके अंदर जिस काम को करने की इच्छा है तो या तो उसकी क्षमता पैदा कर लीजिए, और नहीं तो
जिस काम को करने की आपके अंदर क्षमता है उस काम को करने की इच्छा पैदा कर लीजिए, आप देखेंगे कि फिर आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और असफलता का एहसास नहीं। और सर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ एक पंक्तियां हो जाए अच्छी सी। भारत वर्ष के बारे में या जो वर्तमान में जो तमाम चीजें चल रही हैं, अब चूंकि अपन मीडिया पे हैं तो चार पंक्तियां ही मैं ये बोल देता हूं कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है, जंग मैदान पे नहीं मीडिया पे जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। और आपका एक हम लाइफ फंडा जानना चाहेंगे, आपका लाइफ का इंस्पिरेशनल मोमेंट क्या है या क्या आपको रोज सुबह का एनर्जी देता है, एक किक देता है, बूस्ट देता है? जिंदगी का हर पल ही मुझे बूस्ट देता है। क्यों? क्योंकि मैं ट्रुथ ऑफ द मोमेंट में विश्वास करता हूँ, हर पल के सत्य में विश्वास करता हूँ। मैं कभी भी अतीत में विश्वास नहीं करता और मैं कभी भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो पल, जैसे इस समय मैं पूरा का पूरा आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो इस समय मैं बंबई भी नहीं सोच रहा, मुंबई भी नहीं सोच रहा और मैं कल की शूटिंग के बारे में भी नहीं विचार कर रहा, तभी कहीं ना कहीं हमको आपको रस प्राप्त हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट है, हर पल का जो सत्य होता है, उस सत्य को आप भरपूर तरीके से जिए, क्योंकि हर पल अपने आप में एक नई मिस्ट्री लेके आता है, नई कहानी लेके आता है, और उस कहानी के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो फिर वो एक नई इबारत लिखने की शुरुआत कर देता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और आपके फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्ट्स हम जान पाएंगे तेलुगु के? जी, एक अभी जिस फिल्म की मैं शूटिंग कर रहा हूँ बालकृष्ण जी के साथ शूटिंग कर रहा हूँ, देन अभी मेरी हाल ही में एक फिल्म जो तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी नेने राजू नेने मंत्री राणा जी के साथ, तो उसमें दो राणा थे, एक सकारात्मक थे और एक नकारात्मक थे। अभिषेक प्रोडक्शन की एक फिल्म है, तेलुगु फिल्म है, तो वो कर रहा हूँ। तो ये दो प्रोजेक्ट जो है तेलुगु में वो ऑन है। एक तमिल फिल्म है जो जॉनी गद्दार नाम की एक हिंदी फिल्म बनी थी, तो उसका रीमेक वो तमिल में बना रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ रोल्स है इसमें? जी जी, निश्चित रूप से, बिल्कुल। कोई किसी रोल को मैं, इसीलिए मैंने कम फिल्में की हैं, अगर आप देखें बहुत कम फिल्में की हैं, अन्यथा जितने समय से हम हैं उस समय में तो 150-200 फिल्मों की फेहरिस्त हमारे सामने खड़ी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ ये सब मिला लें आप मेरी, तो 50-52 फिल्मों की लिस्ट आपके हाथ में आएगी। अन्यथा तो बहुत वैरायटी ऑफ रोल है, साथ में कुछ हिंदी फिल्में हैं जो अगले वर्ष आपको देखने मिलेंगी। एक अनुभव सिन्हा के साथ फिल्म कर रहा हूँ जो इसका नाम है मुल्क। जी, उसमें ऋषि कपूर साहब हैं, तापसी पन्नू हैं। एक फिल्म जो अभिषेक चौबे निर्देशित कर रहे हैं जो जनवरी से फ्लोर पे जाएगी, तो वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, उसको कर रहा हूँ। देन एक फिल्म है चिकन करी लॉ जो कम्प्लीट हो गई है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, वो कर रहा हूँ। एक फिल्म है उड़नछू हिंदी की, हाँ काफी काम कर रहा हूँ। तो सर बिजी मिलने वाले, हम शुक्रगुजार और लकी है कि हमें सर मिल गए। जी, कुछ नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे सर, जब आप यहाँ हैदराबाद से मुंबई जाते हैं तो क्या याद आता है हैदराबाद का? हैदराबाद मैंने आपको बताया कि जब मैं मुंबई से हैदराबाद आता हूँ, याद ही नहीं मुझे ना कुछ यादें होती हो, कुछ मन में होता, अरे हैदराबाद में ये था या कुछ। मेरा ये मानना है कि जब आप यादों से चिपके रहते हैं तो फिर वो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट में आप नहीं रह पाते। दैट्स अ पॉइंट, बिग वन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर।